अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो ये वीडियो उनके लिए है जो फिनलैंड में बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप बैचलर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। और बैचलर्स में अप्लाई करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको आइट्स नहीं चाहिए होता, आपका जो आइट्स का स्कोर है वो बिल्कुल नहीं चाहिए होता। आपका एंट्री टेस्ट होता है बेसिकली, एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर और इंटरव्यू की बेस के ऊपर आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो आपकी एनालाइज की जाती हैं और आपको एडमिशन दिया जाता है उसके बेस के ऊपर। तो सबसे अच्छी बात यह कि आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एंट्री टेस्ट देना होता है। जैसे हम अपने पाकिस्तान में UET NEST वगैरह में जाने के लिए हम एंट्री टेस्ट देते हैं इंटर के बाद, सेम इसी तरीके से हमने इसके लिए भी एंट्री टेस्ट देना होता है ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन होता है। उसके बाद अगर आप पास कर लेते हैं उसको, तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होता है, तो फिर आपका एक स्कोर बनाया जाता है जिसके बेस के ऊपर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर वन से। स्टेप नंबर वन ये है कि आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की डिग्री IBCC से टेस्ट करवानी है। मेक श्योर कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों टेस्ट हों IBCC से। स्टेप नंबर टू ये है कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने अप्लाई करना है, आपने इसको शॉर्टलिस्ट करना है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट एप्लीकेशन देती हैं, जैसे कि दो किस्म के एप्लीकेशन होती हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक जॉइंट एप्लीकेशन होती है। जॉइंट एप्लीकेशन में आप मैक्सिमम 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और सेम यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, और डायरेक्ट एप्लीकेशन में आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये देखना कि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ले रही है या फिर जॉइंट ले रही है। सो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने studyinfo.fi पर जाना है और वहाँ पे आपने जो आपकी शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो शॉर्टलिस्ट कोर्सेज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करना है। आपको वहाँ फॉर्म दिया जाएगा, सबसे पहले आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और कोर्सेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और एक कॉमन फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करना है आपने। सो जब आप फिल कर देंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ और इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया है। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपको एक उसके बाद थोड़े दिनों बाद ईमेल आएगी जिसमें आप एंट्री टेस्ट का डेट और टाइम कंफर्म किया जाएगा। सो आप मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो, अगर बीच में डिसकनेक्ट हो जाए तो वो मसला भी हो सकता है। सो मेक श्योर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन हो काफ़ी अच्छा हो। अगर आपका एंट्री टेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद आपको दोबारा एक ईमेल आएगी जिसमें आपके आपके साथ कंफर्म किया जाएगा आपकी अवेलेबिलिटी, आप किस टाइम अवेलेबल हैं फॉर द इंटरव्यू, और आपके साथ एक डेट फाइनल की जाएगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। सो एक वो जनरल सा इंटरव्यू होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जस्ट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो देखी जाती हैं कि आप आगे इंग्लिश बोल लेते हैं, सुन सकते हैं। सो ये चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू में। स्टेप नंबर 5, अगर आप का टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आपने फ़ीस पे करनी है तो आप फ़ीस पे की रहेंगे, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती 50% तो उस हिसाब से आप फ़ीस पे करेंगे। सो यू रेडी टू कम टू फिनलैंड। सो जब आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको फिर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा ब्लॉग नंबर 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि आप रेजिडेंस परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सब जनरल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सबसे पहले सवाल तो यही है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। सो बैचलर्स में आपको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसमें आपको एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलती है जिसके अंदर आपको 50% फी वेवियर दिया जाता है। सो आपको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सो आपने माइंड बनाना है कि आपने कुछ पोर्शन फीस पे करनी है। सो फीस वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और एरिया टू एरिया के कितनी फ़ीस है। जो छोटे टाउन हैं वहाँ पे कम फीस है, जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे हेलसिंकी, तांपरे, ओलू, उसमें ज़्यादा फीस है। सो अब बात कर लेते हैं एडमिशन की डेट्स को। सो एडमिशन ओपन होंगे 4th of January को और ये क्लोज होंगे 23rd of January। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले भी खोल सकती हैं, कुछ बाद में भी खोल सकती हैं। सो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन कब खुल रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं। लेकिन 80-90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके एडमिशन 4th January को खुलेंगे और 23rd को क्लोज़ हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इन डेट्स के अंदर अप्लाई कर लें। बैचलर्स में अप्लाई करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको आइट्स नहीं देना पड़ता, सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने होते यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट, सो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो अगर हम मास्टर्स से कंपेयर करें, उसमें आपको आइट्स भी देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होते हैं यूनिवर्सिटी को।
सो इस केस के अंदर आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है और आइल्स भी नहीं देना पड़ता, तो यहाँ पे एक फ़ायदा आ जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बैचलर्स की फ़ीस के हवाले से। जो बैचलर्स की फ़ीस है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो इट कैन वेरी फ्रॉम लाइक 4,000 यूरोज़ टू 8,000 or 10,000 यूरोज़। और लेट्स सपोज अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है उसकी फ़ीस 8,000 यूरो है, और अगर आप अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप लेते हैं उस ऑफ़र को 7 या 14 दिन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो आपको 8,000 के बजाय आपको 4,000 फीस देनी होगी। सो ये क्राइटेरिया सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉलो होता है। सो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि वो कितने परसेंट अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप दे रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप देती हैं। आपको 100% नहीं मिलेगी, यू कैन अवेल 50% मैक्सिमम। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कोई सैम्पल क्वेश्चन मिलता है एंट्री टेस्ट का, तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट या मुझे कोई सैम्पल पेपर मिलता है तो मैं इसके साथ अटैच करूँगा, ताकि आप वहाँ से देख के इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो एंट्री टेस्ट है वो ज़्यादातर इंग्लिश के ऊपर बेस कर रहा था, और मैथमेटिक्स और लॉजिकल क्वेश्चन और रीजनिंग के ऊपर बेस कर रहा था। सो आप सैट की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में सारे स्टेप्स बता दिए 1 by 1, और आप उनको फॉलो करके बैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैंने इस वीडियो में कोई स्टेप मिस कर दिया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा या स्क्रीन पे, और मैं उसको लिख दूँगा कि अगर मैंने कोई स्टेप मिस कर दिया तो फॉलो कर सकते हैं। और तो इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सबकी वेबसाइट पर इंडिविजुअल जाएँ और वहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स देखें और वहाँ पर अप्लाई करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में अप्लाई करते हैं फॉर बैचलर्स लाइक हेलसिंकी और तांपे, वहाँ पे आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, एडमिशन मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहाँ छोटे टाउन जो सिटीज़ में हैं, वहाँ पर रिलेटिवली कंपटीशन भी कम होता है और एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फ़ीस भी कम होती है। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उन सिटीज़ में भी अप्लाई लाजमी करें जो छोटे हैं, ताकि आपका एडमिशन मिलने के लिए आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।